वर्ष नंबर 181, धर्म पर 181, देव आरोहण बत्थु, द स्टोरी ऑफ बुद्धास रिटर्न फ्रॉम द तवतिमसा देवा वर्ल्ड। इस पद को हम पढ़ेंगे। इसके पहले का कंटेक्स्ट जान लेते हैं। ऑन वन ओकेजन, एक समय भगवान बुद्ध तवतिमसा देवता लोक में गए थे। वहां पर उनकी जो मदर थी वो ऑलरेडी रिबॉर्न हो चुकी थी और उनका नाम संतुषिता था। और वहां पर जाकर भगवान बुद्ध ने देवताओं को अभिधम्म का पाठ पढ़ाया। यहाँ पर देवता और ब्रह्मास आए हुए थे और वो 3 months ऑफ द वर्षा का समय चल रहा था। तो भगवान बुद्ध तवतिमसा वर्ल्ड जाके देवताओं ब्रह्माओं को अभिधम्म सिखाते थे और उसका परिणाम ये हुआ कि जो उनकी माता जी वहां पर रिबॉर्न हुई थी संतुष्टा नाम से, उनको सोतापत्ति फल की प्राप्ति हो गई और उनके साथ साथ बाकी और भी देवताओं और ब्रह्माओं को प्राप्त हुआ बहुत सारे। उस समय उसी समय के दौरान जो उनके शिष्य थे धम्म सेनापति सारिपुत्र, वो भी वसावास में समय व्यतीत कर रहे थे। वो पृथ्वी पर थे और उस जगह का नाम था संकस नगरा, जो कि करीब 30 योजन सावत्थी से दूर था। तो भगवान बुद्ध जो ऊपर इंस्ट्रक्शन देवताओं को देते थे वो सारिपुत्र को भी सिखाते थे और फिर सारिपुत्र उस अभिधम्म को 500 भिक्षुओं को सिखाते थे। जब वासा खत्म हुआ तो भगवान बुद्ध वापस लौटे। तो जब वो वापस वहां से लौटे तो काफी ग्रैंड्यूर था उनका, काफी उन्होंने 6 कलर की किरणें उनके शरीर से निकल रही थी और उस समय वो फुल मून डे था, मंथ ऑफ आसायुज आषाढ़ का समय रहा होगा। तो पूर्णिमा का रात में जब वो लौटे तो उनके शरीर से किरणें निकल रही थी और उनको बहुत सारे देवता एक साइड में एकम्पनी कर रहे थे, दूसरी साइड बहुत सारे ब्रह्मास उनके साथ आ रहे थे और पूरे नगर में भी काफी उत्सव मनाया गया। तो ये सब देखकर सारिपुत्र को बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उन्होंने भगवान बुद्ध को रिस्पेक्टफुली अप्रोच किया और उनसे बोला कि भगवान, ऐसा मैंने पहले ना तो कभी देखा है और ना ही कभी सुना है और वास्तव में आप सबके द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, सब आपको प्रेम करते हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे ब्रह्मा महाब्रह्मा या मनुष्य हो। तो तब भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र को बोला, माय सन सारिपुत्र, द बुद्धास हु आर एंडाउड विद यूनिक क्वालिटीज आर ट्रूली लव्ड बाय मेन एंड देवास अलाइक। तो उन्होंने उनको बोला कि जो बुद्ध है जिनके अंदर विशेष संबोधि प्राप्त की हुई होती है वो सबके द्वारा इसी प्रकार उनको सम्मानित किया जाता है और सबके द्वारा उनको प्रेम मिलता है। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने ये वर्ष को बोला, ये जानप सुता धीरा नेखम उपसमे रता देवापि ते संपि हयन्ति संबुद्धानं सतिमतं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय पीटर फेल्डमेयर। द वाइज इंटेंट ऑन मेडिटेशन डिलाइटिंग इन रिनंसिएशन एंड काम होली अवेकन एंड माइंडफुल इवन द गॉड्स एनवी देम। ये ध्यान सुता धीरा, जो ध्यान में लगे रहते हैं, धीरा मतलब धैर्यवान है, निखम उपसमय रता, निखम मतलब जो गृहत्यागी है और उपशमन में लगे रहते हैं, इंद्रियों के दमन में लगे रहते हैं, रता शांत रहते हैं, उसमें डिलाइट करता है उनको, रत रहते हैं, देवापि ते संग पिहयन्ति, देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं, संबुद्धानं सती मतं होली अवेकन एंड माइंडफुल, जो संबुद्ध है और सतीमान है, ऐसा इसका अर्थ है। इसका कोई अजान मुनिंदों का प्रश्न मौजूद नहीं था तो जो मैंने मेरे मन में आया मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये ध्यान सता धीरा निखम उपसमय रता, तो ये जो लाइन है ये उनको ग्लोरीफाई करती है, उनकी महिमा मंडन करती है। हु वाइल ब्रेवली बेरिंग एट वर्डली धम्मा that is gain, loss, fame and obscurity, pleasure and pain, praise and blame, persist and continue in their dhamma practice, who are not just satisfied by keeping the moral precept in daily life,
बट दे पुट एफर्ट्स टू पुश देमसेल्फ इन प्रैक्टिस ऑफ समाधि एंड सो परसिवरेंस टिल द लाइट ऑफ पहिया स्टार्ट्स टू अपीयर। तो ये जो ध्यान उपसुता धीरा, जो धीरा वर्ड है वो धैर्यवान के लिए आता है, तो और ध्यान में जो लगे हैं उनके लिए, किन के लिए है ये? तो ये उन लोगों के लिए है जो 8 सांसारिक धम्म है, जिसमें कि लाभ हानि, सिद्धि निंदा और सुख दुख और प्रसिद्धि और खो जाना, प्रसिद्धि ना मिलना, और प्रशंसा होना या निंदा होना, इन सब से जो डिस्टर्ब नहीं रहते उनको सहन करते हैं और लगातार अपने धम्म प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, उनको कुछ भी चीजें विचलित नहीं कर पाती, ना तो सुख ना तो ज्यादा। एंड ये उनके लिए भी लिखा गया है जो केवल ऐसा नहीं कि केवल शीलों का पालन करके ही कॉम्प्लेसेंट हो गए, संतुष्ट हो गए लाइफ में, लेकिन वो उसके आगे भी समय निकाल कर समाधि की प्रैक्टिस करते हैं और उसमें धैर्य रखते हैं जब तक कि पहिया थोड़ा सा लाइट अपीयर होने लगे। इन देयर नोबल एंडेवर दे डू नॉट जस्ट लिबरेट देमसेल्फ फ्रॉम साइकिल ऑफ रिवर्थ बट बेनिफिट मेनी अदर्स आल्सो ईदर टू गेट लिबरेटेड और एटलीस्ट गेट अपलिफ्टेड इन धम्मा। और इस पूरे प्रयास में वो अपने आप को तो मुक्ति के मार्ग पे ले ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दूसरों को भी मौका देते हैं, उनका भी भला करते हैं, या तो वो भी मुक्त हो जाए और नहीं तो कम से कम धम्म में थोड़ा अपने आप को अपग्रेड कर ले। देवता देवास मे वेस्ट ऑफ मेटीरियल बोन्स बट पाथ टू समाधि एंड पहिया कैन ओनली बी शोन एंड टॉट बाई वर्थी डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा। जो देवता है वो आपको भौतिक वरदान दे सकते हैं, लेकिन समाधि और प्रज्ञा का रास्ता सिखाना और दिखाना ये तो बुद्ध के जो योग्य शिष्य हैं वही कर पाते थे, और इसीलिए देवता उनको प्रेज भी करते थे और मे बी एक ईर्ष्या भी होती थी देवताओं को। अजानचा वॉज वन ऑफ सच वर्दी डिसाइपल एज वेल एज कॉम्पैशनेट मास्टर ऑफ प्रेजेंट एरा। ही वॉज रिवियर्ड एंड लव्ड बाय ऑल स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी। अजानचा भगवान बुद्ध के ऐसे ही एक योग्य शिष्य है और बहुत ही करुणावान मास्टर है, हमारे आजकल के समय में जो रहे उनको सभी प्रेम करते थे, सभी सम्मानित करते थे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, मे बी चाहे उनको हम देवता बोले या उनको हम ह्यूमन बोले। और मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है अजानचा सारू के येलो पेजेस से कि उन्होंने कैसे बिहेव किया, क्योंकि उनका भी सम्मान किया गया था बहुत ज्यादा। तो हियर इज एन अकाउंट ऑफ द इवेंट व्हेन ही वाज ऑनर्ड एंड फेलिसिटेटेड बाय द किंग ऑफ थाईलैंड। तो जब उनको भी इस प्रकार सम्मानित किया गया तो उनका कैसा एटीट्यूड रहता है, उनका कैसा व्यवहार रहता है। ऑन द 5th of December 1973 अजानचा रिसीव्ड फ्रॉम किंग भूमि बोल अदुल्या गितेज द मोनास्टिक ऑनर ऑफ चाओ खुन एंड द टाइटल फ्रा बोधिंग याना थेरा। तो 5 दिसंबर 1973 में अजानचा को जो थाईलैंड के किंग थे उन्होंने एक टाइटल प्रदान किया और उनका सम्मान किया, टाइटल था फ्रा बोधियाना थेरा। ऑन हिज रिटर्न टू हिज मोनास्ट्री मेनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल गैदर्ड टू वेलकम हिम बैक एंड एक्सप्रेस देयर अप्रिसिएशन ऑफ द ऑनर डन टू हिम। तो जब वो भी मोनास्ट्री वापस लौटे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और काफी उत्सव मनाया और उनको अप्रिशिएट किया। अ ग्रैंड मैरिट मेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस, एक बहुत बड़ी सबको मनाया गया और उससे काफी धार्मिक गुण प्राप्त हुए लोगों को। थ्रू आउट इट ऑल अजानचा रिमेन स्टिल कूल सेंटर एट द हार्ट ऑफ द एक्साइटमेंट एंड जॉय। सारे इस प्रोसेस के दौरान अजानचा शांत चित्त बने रहे, अपने हृदय में उनके शांत चित्तता बनी रही, जबकि चारों तरफ काफी एक्साइटमेंट और जॉय का माहौल था। ही टोल्ड हिज डिसाइपल दैट द टाइटल ऑफ चाओ खुन वॉज अ वर्ल्डली कन्वेंशन। He was the same long poor as he had been a few days before. उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि ये जो टाइटल है ये तो एक सांसारिक उपाधि है और ये तो वो तो वही सेम लुआंग पोर है जो कि वो कुछ दिन पहले थे इस उपाधि के मिलने से पहले। Worldly dhammas of gain and loss, fame and obscurity, pleasure and pain, praise and blame are all fickle and changing. तो ये जो worldly dhammas हैं, 8 worldly dhammas, वो तो बदलते रहते हैं और बड़े ही क्षणभंगुर होते हैं, चेंज हो जाते हैं। नोइंग द नेचर ऑफ द वर्ल्डली धम्मा द माइंड इज नॉट मूव्ड बाय देम। इसलिए जो ध्यान उपसमय रता लोग हैं उनका मन विचलित नहीं होता इन वर्ल्डली धम्मास का नेचर को जानने के बाद। द ब्रिज ओवर द रिवर मून दैट फ्लोट थ्रू देयर सिटी ऑलवेज रिमेन द सेम। तो एक रिवर है वहां पर जिसका नाम रिवर मून है,
वो जब सिटी से बहती है तो वो जो ब्रिज है उसके ऊपर जो पुल बना है वो तो सेम ही रहता है. द ब्रिज डज नॉट आर्क अप इफ द वाटर राइज, इट डज नॉट सैग इफ द वाटर फॉल्स. तो ऐसा नहीं है कि जब रिवर में पानी बढ़ जाता है तो जो ब्रिज है वो ऊपर उठ जाता हो, और जब पानी घटता हो तो ब्रिज नीचे चला जाता हो. ब्रिज तो सेम ही रहता है. तो ऐसे ही जो संबुद्ध और ज्ञान ज्ञान उपशमनी रहता है उनका भी मन रहता है. तो ये मैंने मुझे रिलेवेंट लगा था तो मैंने इसको यहाँ पे शेयर किया. अगर अगर इसमें किसी को कुछ जिज्ञासा हो या कुछ ऑब्जर्वेशन हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं. ये प्रिय यंती का मीनिंग प्रिय है या ईर्ष्या ईर्ष्या कर प्रेम? पिहयंती पिहयंती ईर्ष्या एनवी. सर एम आई राइट? जी. इसमें सर ये यहाँ मुझे मुझे हिंदी समझ में आ रहा था इसका कोशिश करने पर. तो तीसरी दूसरी तीसरी और चौथी लाइन तो क्लियर है. नेखम उपशमे, उपशमे का मतलब उपशमन हो गया, उपशमन में लगे रहते हैं. नेखम बता रखा है आपने समय में कोई लगता नहीं है. ये जी. उत्सव का मतलब होता है शांत हो जाता है. असुता का मतलब है लगे रहते हैं. शम दम जिसको होता है ना, शम दम, उसमें तो हम दम, अच्छा वो दम होता है. उपशमन कहते हैं ना, सब संखारो समनो समथो, उपशमन समन करना, शांत कर देना, ध्यान त्याग के आधारित शांति. सर सर ध्यान तक तो ठीक है, ध्यान पशुता ये समझ नहीं आ रहा. पशुता का मतलब होता है एंगेज्ड इन, लगे हुए उसमें, संलग्न है. तो इसका इन्होंने किया ट्रांसलेशन इंटेंट ऑन, किया ना, इंटेंट ऑन मेडिटेशन. और पशुता का मतलब है राइट सर. दिस इज ऑल डिस्क्राइबिंग, नॉट एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द क्वालिटीज ऑफ बुद्धा. एक्चुअली जैसे आपने देखा होगा ना स्टोरी से, बुद्धा इज डिस्क्राइबिंग टू हिम द क्वालिटीज ऑफ एनलाइटेंड वन, संबुद्धानक सती मतान. सो बट यू कैन एक्सटेंड इट, क्योंकि यू कैन एक्सटेंड इट टू फुल्ली एनलाइटेंड श्रावक. यस सर. वर्स नंबर 182 पढ़ते हैं. एरक पठ नागराज बत्थु, द स्टोरी ऑफ एरक पठ द नागा किंग. इसके पीछे हम कंटेक्स्ट को जानते हैं कि एक नाग किंग था, उसका नाम एरक पठ था. उसकी बहुत सुंदर पुत्री थी और उसने उस पुत्री के द्वारा माध्यम से भगवान बुद्ध को ढूंढना चाहा. ही मेड इट नोन दैट हू एवर कुड आंसर हिज क्वेश्चन कुड क्लेम हर फॉर ए वाइफ. उन्होंने एक घोषणा कर दी कि जो भी उनके आंसर्स को क्वेश्चन के आंसर्स को दे पाएगा वो उनकी पुत्री को पत्नी बना सकेगा. इस तरह से उन्होंने सोचा कि वो समहाउ, उनके पास एक रीजन था, जो भी आगे आ जाएगा वो बुद्ध को पालेंगे. तो वन डे द बुद्धा सॉ अ यूथ नेम्ड उत्तरा इन हिज विजन. He also knew that the youth would attain Sotapatti solution in connection with the questions put by the daughter of Erakpatta the Naga. So, भगवान बुद्ध ने एक जवान व्यक्ति को देखा, उत्तर नाम के व्यक्ति को. उनको पता था कि ये अभी सोतापत्ति फल प्राप्त कर सकता है अगर ये एरकपंत जो नाग है उसकी पुत्री के क्वेश्चंस को आंसर कर दे. तो भगवान, साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि वो जवान व्यक्ति अभी ऑलरेडी एरकपत की पुत्री का हाथ मांगने के लिए जा रहा है. तो भगवान बुद्ध ने उसको रोका और उसको
वो जो भी क्वेश्चंस उन्होंने बता दिए थे कि इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, तो उन्होंने उनके आंसर उसको बताए। और जब भगवान बुद्ध उसको ये सब आंसर बता रहे थे, तो उसी समय उत्तरा को सोतापत्ति फल प्राप्त हो गया। और अब चूंकि वो सोतापत्ति फल प्राप्त कर चुका था, तो अब उसको कोई इच्छा नहीं रही बहुत ज्यादा कि उसको नागा राजकुमारी मिल ही जाए। लेकिन फिर भी उत्तर उन आंसर्स के साथ आगे गया, जिससे कि और भी दूसरे प्राणियों का भला हो सके। तो वो जो क्वेश्चंस थे वो थे, द फर्स्ट फोर क्वेश्चंस वर, हु इज द रूलर, कौन राजा है, इज वन हु इज ओवरवेल्म्ड बाय द मिस्ट ऑफ मोरल डिफाइलमेंट टू बी कॉल्ड अ रूलर, जो नैतिक विकारों से ग्रसित हो जाता है, क्या उसको हम राजा कह सकते हैं। वॉट रूलर इज फ्री फ्रॉम मोरल डिफाइलमेंट, कौन राजा है जो नैतिक विकारों से मुक्त है। वॉट शॉर्ट ऑफ पर्सन इज टू बी कॉल्ड ए फूल, और किस प्रकार के व्यक्ति को मूर्ख कहा जा सकता है। तो जो इनके आंसर्स उत्तर ने दिए भगवान बुद्ध की सहायता से, वो था, ही हु कंट्रोल द सिक्स सेंसेस इज ए रूलर, वो जो छह इंद्रियों को संयमित कर सकता है वही असली राजा है। He who is overwhelmed by the mist of moral defilement is not to be called a ruler. जो नैतिक विकारों से ग्रसित हो जाते हैं उनको राजा नहीं कहा जा सकता। The ruler who is free from craving is free from moral defilement. और वो कौन सा राजा है जो नैतिक विकारों से मुक्त है, वो राजा है जो तृष्णा से मुक्त हो चुका है, उसको फिर नैतिक विकार नहीं है। A person who hankers after sensual pleasure is called a fool. और मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं, जो इंद्रिय सुखों के पीछे भागता फिरता है। Having had the correct answers to above, the Naga princess asked questions regarding the floods, oghas, of sensual desire, of renewed existence, of false doctrine and of ignorance, and how they could be overcome. Uttara answered these questions as taught by the Buddha. फिर further question पूछे थे, जिसमें उन्होंने चार जो फ्लड है, ओघास है, जिसमें काम छंद आ जाता है और भव आ जाता है बार बार पढ़ने की इच्छा, और मिथ्या दिट्ठी आ जाती है और अविज्ञा आ जाती है, इसके बारे में भी पूछा, जिसको उत्तर ने आंसर कर दिया जैसा उसको भगवान बुद्ध ने सिखाया था। नाउ द स्टोरी कम्स कि व्हेन एरकपंथा हर्ड दीज आंसर्स ही न्यू दैट अ बुद्धा हैड अपीयर्ड इन दिस वर्ल्ड, सो ही आस्क्ड उत्तरा टू टेक हिम टू द बुद्धा। अभी वो नाग राजा जान गया कि ये आंसर तो बुद्ध ही दे सकते थे, तो उन्होंने बोला उस युवक को कि आप, जिसने भी आपको ये आंसर बताया, आप मुझे उन तक ले चलो, यानी कि बुद्ध तक ले चलो। ऑन सीइंग द बुद्धा, एरकपंथा रिलेटेड टू द बुद्धा, हाउ ही हैड बीन अ भिक्खु ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कश्यपा बुद्धा, हाउ ही हैड एक्सीडेंटली कॉज्ड अ ग्रास ब्लेड टू बी ब्रोकन ऑफ व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बोट, एंड हाउ ही हैड वरीड ओवर दैट लिटिल ऑफेंस फॉर हैविंग फेल्ड टू डू द एक्ट ऑफ एक्सोनरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, एंड फाइनली हाउ ही वाज रिबॉर्न एज ए नागा। तब उसने भगवान बुद्ध को बताया कि वो उनको क्यों ढूंढ रहा था, कि पिछले जन्म में वो बुद्धा कश्यप का एक शिष्य रहा था, भिक्खु रहा था, और उससे एक्सीडेंटली द स्टोरी सेज कि एक घास का टुकड़ा टूट गया था बोट में चलते समय, और उसने वो बड़ी चिंता की कि उससे ये ऑफेंस हो गया, जिसका उसने पश्चाताप नहीं कर पाया इस तरह का किसी भी तरह का, और वही सोचते समय उसका जब मृत्यु हुई तो वो नागा किंग के रूप में रिवॉर्न हो गया। So after hearing him, the Buddha told him how difficult it was to be born in the human world and to be born during the appearance of Buddhas or during the times of their teaching. तब भगवान बुद्ध ने बताया कि yes, ये बहुत ही मुश्किल है ये human world में जन्म लेना, और उसके बाद ऐसे समय में जन्म लेना जब वहाँ पर बुद्ध या बुद्ध धर्म स्थापित हो चुका हो, तो very very rare opportunity and we should utilize this. So then the Buddha spoke in verse as follows. Kicho manusya patilabho kichang machan jivitang kichang saddham savanang kicho buddhanamupado. Translation by Peter Faimir. Difficult it is to gain a human birth. Difficult is the life of mortals. Difficult is the chance to hear the true dhamma. Difficult is the arising of Buddha. तो काफी काफी रेयर होता है, काफी आसान नहीं होता है। एक तो ह्यूमन हम मनुष्य जन्म मिले, कभी कभी मनुष्य जन्म का लाभ मिलता है, उसमें भी अगर मनुष्य जन्म मिल गया तो कभी कभी हम उसमें जीवित रह पाते हैं, कभी कभी हम उसमें फिर हम धम्म को सुन पाते हैं, और भगवान बुद्ध का अराइजिंग भी, तो
बहुत कभी कभी होता है आफ्टर इयर्स. तो इसका अजान मुनिंदु के रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे. ट्रांसलेशन जो उन्होंने किया है, इट इज नॉट इजी टू बी बॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग एंड टू लिव दिस मॉर्टल लाइफ. इट इज नॉट इजी टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू हियर धम्मा एंड रेयर फॉर ए बुद्धा टू अराइज. Reflection. In terms of here and now, we are born as human beings whenever we have mindfulness and integrity. Because of our tendency to compromise Dhamma principle, this task becomes difficult. Following preferences is much easier. So here and now ki baat agar hum kare, to hum jab tak hum sati sampajan yukt rehte hain, imandar rehte hain, imandari ke saath, तभी हम कह सकते हैं कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग जिंदा है आज और अभी. क्योंकि हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो है कि हम धम्मा सिद्धांतों पर समझौता कर लेते हैं और फिर हमारा सती संपजन भी समाप्त होने लगता है और हम अपनी जो स्वाभाविक आदतें हैं उसकी तरफ झुकने लगते हैं और वो अकॉर्डिंग टू अजान मुनिंदो हम वो ह्यूमन बर्थ नहीं कहलाता है. However, merely to follow liking and disliking is not living as we could be living. Instead, we could reflect on cause and effect and what happened last time we allowed ourselves to become lost in experience. Lekin iski wo Ajahn Munindo prasansa nahi karte ki jo liking aur disliking mein hum pade rahe aur ye to human birth jaisa nahi lagta. Rather, वो चाहते हैं कि हम इस बारे में सोच विचार करें कि क्या कारण था, उसका क्या प्रभाव पड़ा लास्ट टाइम जब हमने अपने आप को किसी भी अनुभव में बिना सती संप्रजन्य के खो दिया था. We are fortunate these days to have ready access to Dhamma, but the Dhamma is hard to hear because we have created obstructions by having followed our preferences for so long. तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं आजकल कि हमारे को धम्म के एक्सेस है, हमारे को धम्म आसानी से मे बी थ्रू इंटरनेट और बुक्स अवेलेबल हो जाता है, लेकिन धम्मा को सुनना मुश्किल हो गया है क्योंकि हमने हमारी आदतों ने हमको रुकावटें डाल रखी है. When the Buddha was alive, some of his disciples became enlightened at once by simply listening as he taught the Dhamma. तो जब बुद्धा भगवान जीवित थे तब उनके कुछ डिसाइपल तो जस्ट ये उन्होंने धम्मा सुनाया और वो सुनते ही उसको उनको भी निर्वाण की मोक्ष उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बोधि की प्राप्ति हो गई. Why can't we listen in the same way? Get the message and drop the burden. हम क्यों नहीं उस तरीके से सुन पाते, उस संदेश को समझ पाते और जो भार है उनको हम अपने से दूर गिरा पाते हैं. If we did that, the Buddha would appear here and अगर हम वो करें तो भगवान बुद्ध आज और अभी हमारे सामने प्रकट की तरह ही. तो मुझे इसमें समझ में आया वो अजान मुनिंदो ये कहना चाह रहे हैं कि जस्ट ह्यूमन बॉडी इज नॉट ह्यूमन बर्थ. हम ह्यूमन की तरह उस अपॉर्चुनिटी को लाभ उठा पाए तभी हमारा ह्यूमन बर्थ वैलिड है. तो रिफ्लेक्शन मेरे को मन में आया A human birth is very rare compared to all the other life form on earth. To be born as human being, one should have cultivated a lot of merits in past life. बहुत ही मुश्किल है बाकी योनियों की अपेक्षा मनुष्य योनि में जन्म लेना, और मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए बहुत सारे पुण्यों को करना होता है पिछले जन्मों में, तब जन्म मिलता है. Also, humans have a very special status. Only a human can attain enlightenment as a fully enlightened Buddha. A bodhisattva can appear in many different types of lives, for instance, as an animal or as a deva. Buddhas, however, are always human. और मनुष्य को ही एक ये जो स्पेशल अधिकार प्राप्त है कि मनुष्य ही सम्यक संबुद्ध बन सकता है. वो उससे पहले की जो उसकी जर्नी है बोधिसत्वा की वो अलग अलग योनियों में कर सकते हैं, जैसे कि हम जातक कथाओं में भी ऐसा पढ़ते हैं. बाल पंडित सुत्त कंपेयर द ह्यूमन बर्थ एज फॉलोज. तो ये बाल पंडित सुत्त जो है वो बताता है कि ह्यूमन बर्थ कितना रेयर है. तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक लोहे का लकड़ी का जानवरों को बांधने वाला एक राउंड सर्किल खूंटा हो
और वो हमने समुद्र में फेंक दिया हो और समुद्र की लहरें उसको कभी इधर कभी उधर बहा के ले जा रही हो। और उसी समय एक एक जगह लिखा था ब्लाइंड और एक लिखा था वन आइटर, तो मैंने दोनों ही लिख दिया है, एक अंधा कछुआ हो या एक एक, एक आंख वाला कछुआ हो और वो समुद्र की गहराई से उभर कर बाहर आता हो, वो भी 100 सालों में एक बार। तो उस समय जब वो 100 सालों में एक बार निकल कर आए पूरे समुद्र में, और उसी समय उस कछुए का सर, वो जो योक है वो राउंड कलर राउंड शेप का, उसमें चला जाए, तो इवन ये चांस भी ज्यादा है बजाय इस चांस के कि हम जो निरय लोग हैं उनसे उठकर ह्यूमन बर्थ लें, जो कि एनिमल रियल में, हंग्री गोस्ट रियल में या हेल रियल, उनसे उठकर हम ह्यूमन बर्थ लें, वो चांस फिर भी मुश्किल है और ये वाले चांस आसान है। दिस इज कंसिडर्ड अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी देन दैट ऑफ अ बीइंग इन द एनिमल रियल, हंग्री गोस्ट रियल और हेल रियल, अचीविंग रीबर्थ एज अ ह्यूमन। Having been born as a human and surviving various attacks like natural disaster, accident, fatal disease, etc., next task is not to spend life in acts of eating, sleeping, defending and mating, observing and consequently asking intelligent questions such as why am I subject to birth, disease, aging and death will eventually lead the inquirer toward the Dhamma as taught by the Sakyamuni Gautam Buddha in this present aeon. So, jab humne human birth ki le bhi liya, तो फिर बहुत सारी मुश्किल आती है, कभी नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कभी महामारी और कभी शरीर के अंदर बीमारी आ जाती है। तो अगला है कि हम इस शरीर इस जीवन को आहार निद्रा भय मैथुन में ना बिता दें, और हम इससे अच्छा है कि हम ये वैलिड इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे जो भगवान बुद्ध ने खुद ऑब्जर्व करें कि हम क्यों इस तरह के मिजरीज में घिरे हुए हैं। और इस तरह के जब क्वेश्चन हम पूछेंगे तो हम डेफिनेटली सर्च करेंगे उनके आंसर, तो हम धम्मा की तरफ आकर्षित होंगे जो कि करुणावान भगवान बुद्ध ने आज के प्रेजेंट ईयर में हमको सिखाए हुए हैं। तो इसमें अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो या कुछ जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर आई लाइक दीज क्वेश्चन ऑफ एरक पट नागा, वेरी नाइस क्वेश्चन। थैंक यू निखिल दा फॉर स्पेशली यूर आपका जो रिफ्लेक्शन था, स्पेशली द लास्ट पैराग्राफ। आई वॉन्ट टू आस्क, जो भगवान जब हम बुद्ध वर्ड कहते हैं, विच वन वन थिंग इट रेफर्स टू द हिस्टोरिकल बुद्धा एंड सेकंड इट इज सेड टू रेफर टू जो हमारी प्रैक्टिस में ब्रॉडर अवेयरनेस, द वन विच सीज थिंग एज इट इज, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आई एम नॉट वेरी फैमिलियर विथ। इफ सर थोड़ा सा आप अगर उसके बारे में बताए, बुद्धा एज इन नाउ जो हमारे प्रैक्टिस में रहता है, द सेकंड रेफरेंस। निखिल, कैन यू ट्राई? सर आई थिंक वैभव इज आस्किंग जो हजार मुनिंदो का है, हियर एंड नाउ बुद्धा, एंड यस इस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका दृष्टिकोण से मैंने अभी सोचा जब उसने बोला कि हमारे अंदर जो एक अवेयरनेस है जिसको हम प्योर अवेयरनेस बोल सकते हैं, और एक और टेक्निकल वर्ड आप लोग यूज करते हैं ओपन अवेयरनेस, जिस वो हमारे अंदर प्रकट होना, उस दृष्टिकोण से मैंने नहीं लिखा, मतलब सोचा, लेकिन अभी वैभव ने बोला तब मैं सोच पा रहा हूँ। और नहीं, मैंने तो ऐसा ही सोचा है कि जब भी बुद्धा होता है तो मेरे मन में जो है वो सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध का ही आता है कि अगर हम सती संप्रज्ञ है और बहुत ध्यान पूर्वक उनकी शिक्षाओं को सुन रहे हैं तो वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा जैसा कि कौंडिन्यो के ऊपर पड़ा था, वो ऐसा ऐसा मेरे मन में आता है। लेकिन या वैभव ने एक दूसरा दृष्टिकोण दिया है कि हम हेयर एंड नाउ, विच आई कैन सर्टेनली अंडरस्टैंड नाउ, कि हम इस समय अगर पूर्ण जागृत रहे और चीजों को एज इट इज देख पाए तो शायद हम ह्यूमन बर्थ होने को वैलिड कर पा रहे हैं, और नहीं तो अगर केवल
आदतों में पड़े रहेंगे तो वो तो जानवर भी कर सकते हैं. That is what I understand. Up to you, sir. Over to you. कुंद्रा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वेकंट जागृत, तो उसको अगर हम फिगरेटिवली लें उसका मतलब है जब भी हम पूरी तरह से जागृत होते हैं जो भी अनुभव हो रहा है उसके प्रति, सो यू कैन से दैट द क्वालिटी ऑफ बुद्धा इज अवेकंट इन अस. तो whenever we are mindful, fully mindful and without any sense of self, then at that moment we can say the Buddha has arisen in me. It's a figurative sense, should be taken literally, okay, which means at this moment there is I am awakened, I can see the things fully. Us sense mein usko liya ja sakta hai. तो जैसे थाई ट्रेडिशन में कहा जाता है ना बुद्धो बुद्धो दे डू दे यूज इट एज ए मंत्रा. सो दे से बुद्धा इज व्हाट इज द बुद्धा देयर, बुद्धा इज द वन हु इज अवेयर ऑफ धम्मा, धम्मा इज व्हाट एवर इज द एक्सपीरियंस. सो बुद्धा इज अवेयर ऑफ द धम्मा, दिस इज द काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी यूज टू एक्सप्लेन द प्रैक्टिस. तो you are mindful and you are fully aware of whatever is happening. Dhamma is the reality at the moment. Is samay ki jo satya hai usko jaan raha hai, to buddha jaan rahe hain, arthat jo ek awakened awareness hai wo jaan rahi hai, main nahi jaan raha hu, there is no me here, it is buddha knowing the dhamma. So that's how the Thai tradition uses this terminology of Buddha and Dhamma to reduce the sense of me and describe the practice. With an awakened mind, knowing the reality is the practice which will lead us to becoming a Sangha, a devoted disciple, a properly practicing meditator or bhikkhu, whatever it is. So, this way, थाई ट्रेडिशन में समझाता जाता है, जो काफी एक क्योंकि वहाँ बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा है उसको ठीक से समझाने के लिए, कहीं वो ब्लाइंड फेथ ना हो जाए, उसको इस सेंस में देखेंगे तो साधना के लिए लाभदायक हुआ. डज इट मेक सेंस टू यू वैभव? यस यस सर, थैंक यू वेरी मच. वन जस्ट वन फॉलो अप. जैसे कि बुद्ध को हमने देखा दैट इन पर्सनल प्रैक्टिस बुद्धा इज अवेकन्ड माइंड विच इज नोइंग द एक्सपीरियंस एज इट इज, क्या हम संघ की डेफिनेशन को भी ऐसे मतलब सब्जेक्टिव एस्पेक्ट में देख सकते हैं? संघ का मतलब क्या है? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो, ये चांट करते हैं ना, जो ठीक मार्ग पे चल रहे हैं, तो सीधे मार्ग पे चल रहे हैं, प्रज्ञा पूर्वक चल रहे हैं, भली भांति चल रहे हैं, निष्ठा पूर्वक चल रहे हैं. तो when a person is awakened and seeing the reality, then he is moving towards becoming a sangha. Sangha is one who is doing that, है ना? That's what we read. संघ की डेफिनेशन भी चैंटिंग में यही करते हैं ना, ये बेसिक क्वालिटीज हैं, तो वो क्वालिटीज वो यूज अडॉप्ट कर रहा है ना, when he is practicing in this manner, then he becomes a sangha. It's okay. Thank you, sir. Thank you very much. And that's how I understand it. सर ये तो वैभव का क्वेश्चन तो आंसर हो गया. अभी एक छोटी सी बात जो मैं इसको एरक पंथ की जब कहानी में लिख रहा था इसमें जब मतलब पढ़कर तो जो समझ कम आ रही है बात, वो थोड़ा सा ये लगा कि उसको रिमोर्स किस बात पर हुआ, ब्लेड ऑफ ग्रास, थोड़ा सा वो मुझे लगता है कि वहां पर शायद क्लैरिटी और yeah,
It is basically a typical example of Shil Bhatta Paramarsh. A small incident that happened was, he was a bhikkhu, one is not supposed to cut the grass or anything else. So there was a small infringement. जो उनको जाके बताना चाहिए था ऑफेंस को एक प्रति मोख में उसको शेयर करते हैं ना मुझसे ये भूल हो गई आगे से नहीं करूंगा एंड देन अदर से कैन बी माइंडफुल प्राइमली ही डिडंट डू दैट काइंड ऑफ थिंग सो दैट क्रिएटेड अ रिमोर्स व्हिच वाज बट स्टिल ही वाज बोर्न एज अ डेमिगॉड Nagadhar also some kind of lower quality devas. But then usme, in our chantings when we say but east in the south there are this, in the east there are this, in the west there are this. So, when we do Atanati Bharata, usme aata na ye baat. Yes, sir. Yes, sir. सर एरापते ही वही है ना जो छब्या पुते ही में मितन जो मैत्री में भी यही सेम एरापते ही नहीं नहीं मे बी बिकॉज एरापते इज एक्चुअली रेफरेंस टू द क्लैन सो ही मे बी ही इज द किंग ऑफ दैट क्लैन तो इसलिए कहा जाता जो विरूपक्ष और चार चार जो है छब्बे फोर क्लैंस ऑफ नागास ऑफ सर्पेंट्स यू कैन से तो ऑल द सर्पेंट्स आर ऑफ वन ऑफ दीस फोर क्लैंस वन बुद्धा ब्रॉट इन दैट सुत्ता छंद परित्ता सुत्ता और फिर देन अटानाट्य आल्सो हैज दैट ये चारों इट डजंट हैव दिस इट हैज ऑल द फोर Club all together as combined. Naga. All the four club together as Nagas. Then there are Nagas ke kul hai. Jaise manushya hai, manushyon ke kul hai. So we are also human beings, but we all may be belonging to a particular clan. So this one was belonging to that, he was the king of that clan. Hamari chanting hoti hai. Kya matlab hua, sir? क्लैन मतलब कुल नहीं समझते गोत्र नहीं माने जाते हमारे यहाँ जैसे तो हिंदुओं में गोत्र माने जाते हैं ना माने जाते हैं हाँ जी हाँ जैसे कोई भारद्वाज गोत्र का है कोई सारस्वत गोत्र का है कोई गौड ब्राह्मण है अलग अलग जो गोत्र है देयर ऑल सपोज टू बी डिपेंडेंट डिसेंडेंट्स ऑफ दोज ऋषिज सेवन ऋषिज इन द इंडिया द पीपल आर सपोज टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ दोज ऋषिज देयर उनको गोत्र कहा गया तो उसको आप क्लैन कह सकते हैं एक एक ग्रुप है एक दूसरा ग्रुप है सात ग्रुप है मान लीजिए ऐसा कहा जाए उसमें सर्पों में भगवान ने बताया भी चार ग्रुप्स हैं वो चार ग्रुप्स क्या है रूपपथे हेरापथे छब्यापथे कन्हा गौतम के इस फोर क्लाइंस ही टेल्स So there, in continuation of Abhav's question, sometimes Ajahn Amaro uses the terminology from Dhamma arises the Buddha. Yes. You can you put it other way around also. You can put it other way around. It depends on how you want to interpret it. Yeah, certainly. Darshab, मेरा एक सवाल है. स्लाइटली डाइवर्जेंट तो आपने सब कहा कि नागास को हमारी थिंकिंग प्रोसेस में बड़े हाई पेडेस्ट पे रखा गया है लेकिन इंडियन ट्रेडिशन में गरुड़ हैं या कछुआ है उनको भी काफी पवित्र माना जाता है तो ऐसे क्या कर्म नाग जो बनते हैं ऐसे क्या कर्म करके आते हैं कि उनको हम हाई पेडेस्ट पे करते हैं एनी थॉट्स ऑन दैट I don't know really. ठीक मुझे मालूम नहीं. Just translation of course. ठीक है. मुझे मालूम.
You would so let us sit for some time. Yeah. Okay. So we can sit quiet for some time till 6:55 now.